हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई ब्रिंग यू दिस न्यू बैरिंग दैट वी हैव इम्पोर्टेड एंड दिस बैरिंग इज पर्टिकुलरली वन ऑफ द मोस्ट हाई परफॉर्मेंस बैरिंग अवेलेबल इन द मार्केट सो फार. इट इज़ अ चैलेंज दैट यू विल नॉट गेट द बैरिंग ऑफ सच क्वालिटी एनी वेयर अराउंड द ग्लोब बिकॉज वी हैव पर्टिकुलरली डिजाइंड फर्स्ट कंप्लीटेड आर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैरिंग. And to tell you that this bearing gives you a performance roll of almost 10 to 11 minutes of roll, and now we are going to demonstrate that. Basically, I am going to show you how these bearings are actually performing, and we will compare that with our other bearing also that we are working with, that is ILQ twin cam ceramic bearings. This is also one of the ILQ twin cam, but this is a micro bearing. So basically this bearing has a capacity of rotation for approximately 59,000 to 69,000 RPM, and today we are going to demonstrate that with the roll. So I'm just going to install these bearings in the wheels that I am showcasing here on the table. Let me just first remove these wheels from the skate, then I will show you how these bearings are actually performing. I am going to place two wheels together, just comparing them to show you how these bearings actually perform. दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं ILQ Twin Cam Ceramic Micro Bearings Minimizer. और इस बेरिंग का जो परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी 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 हाई एंड परफॉर्मेंस. इससे ज़्यादा कंपेरेबल आपको कोई भी इसकी क्लास के अंदर बेरिंग नहीं मिलेगा बिकॉज दिस बेरिंग इज़ मेड विद द क्रोनीड्योर स्टील दैट इज़ यूज इन द डिफेंस एंड डिफेंस इंडस्ट्री. बेसिकली क्रोनीड्योर स्टील जो होता है वो रस्टिंग नहीं होती है उस पर कुछ भी किसी भी तरह के, और वो एब्रेशन फ्री होता है, बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री रोल मिलता है उसमें. प्लस हमने G3 ग्रेड के बॉल्स यूज़ करे हैं, दैट इज़ द हाइएस्ट ग्रेड पॉसिबल फॉर सेरामिक. तो बेसिकली दिस बेरिंग इज़ गोइंग टू गिव यू परफॉर्मेंस ऑफ वेरी 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 हाई एंड स्पीड. इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्रोफेशनल स्केटर्स जिनको बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कहीं से भी ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके लिए है. तो मैं बेसिकली आपको एक रोल डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ. ये देखिए, मैंने इसको चलाया है एंड द बेरिंग इज़ गोइंग टू परफॉर्म रियली 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 वेल. बहुत अच्छा रोल देती है विदाउट बींग इंस्टॉल्ड इन द व्हील. इसका बेरिंग का रोल बहुत ज़बरदस्त आता है, ज़बरदस्त. नाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस बेरिंग इन द व्हील्स. Now I'm going to install this special spacer that comes with this bearing. ये इसी bearing particularly इन इस twin cam के लिए design किया गया है. तो देखिए, if you can see, the bearing is performing really, really, really well. It's still rotating. अभी तक रुका नहीं है, इट्स स्टिल रोलिंग. अब जाके रुका है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन नाउ द बेरिंग इज कनेक्टेड. हम दो व्हील के अंदर हमने ट्विन कैम सेरामिक्स रखे हैं, नॉर्मल वाले हमारा जो जर्कोनियम ऑक्साइड वाले हैं 02, और दो व्हील के अंदर हम जो हैं इन बेरिंग्स को लगाएंगे. आप देखो इसके अंदर बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुपीरियर क्लास का परफॉर्मेंस है इसमें रोल. देखिए अभी तक स्पिन कर रहा है, बहुत हल्के से स्पिन पे भी बहुत लंबा रोटेशन चलता है इसका. देखिए नाउ द बेरिंग्स आर कनेक्टेड. अब मैं इनको स्केट में इंस्टॉल करूंगा.
इसके साथ में हमने स्टॉप वॉच भी रखी है यहाँ पर बेयरिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये देखिए मैंने स्पिन दिया इसको बेयरिंग को, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप सो ईजिली। इसके कंपैरेटिवली मैं अगर इसको भी घुमाता हूँ, ये ट्विन कैम आईएल के ट्विन कैम सेरामिक्स लग रखे हैं हमारे नॉर्मल वाले सिक्स बॉल बेयरिंग, लेकिन आप ये देखिए ये वाला बेयरिंग जो है, ये वाला जो व्हील है ये रुक जाएगा, बट दैट व्हील विल नॉट स्टॉप। आप देख सकते हैं वो व्हील मैंने पहले घुमाया था, उसके बाद भी मैंने इस व्हील को घुमाया और उसको बहुत हल्का सा ट्रोल दिया था। चलिए मैं दूसरा व्हील लगा रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए ये बेयरिंग लग गए हैं इसमें, हमने स्टॉप वॉच भी रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री है, बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री है। अभी हम इसके साथ में स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, ये स्टॉप वॉच है हमारी। आई विल शो यू द टाइम इन द स्टॉप वॉच फॉर हाउ लॉन्ग इट दिस व्हील इज गोइंग टू परफॉर्म द रोल। लेट्स गेट ऑन। मैं ये स्टॉप वॉच यहाँ रख रहा हूँ, अब मैं व्हील का रोल स्टार्ट करूँगा। मैंने स्टार्ट कर दिया है, टाइम चल रहा है, लेट्स सी। वीडियो वैसे भी आपका पूरा उतने ही टाइम की चलने वाली है जितने टाइम हमने इसको दिया है। आई एम गोइंग टू प्लेस दिस स्टॉप वॉच हियर। आई एम टेलिंग यू दीज बेयरिंग्स आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, ये रुकेंगे ही नहीं। दीज आर नॉट डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, इनमें फ्रिक्शन है ही नहीं। अभी तो हमने सिर्फ एक नॉर्मल रोल दिया है ट्रायल रन के लिए, देन वी विल शो यू प्रॉपर हाउ दीज बेयरिंग रोल। देखिए वो रुक गए हैं, बट दिस बेयरिंग डिड नॉट स्टॉप। हमारा जो ट्विन कैम है वो 2 मिनट पे आके ऑलमोस्ट रुक गया है। एज यू कैन सी अभी भी बहुत फ्री रोल चल रहा है। अभी तो सिर्फ ये ट्रायल रन था, आई विल शो यू द एक्चुअल परफॉर्मेंस।
अब देखिए अभी तक रुका नहीं है वो बैरिंग, अभी भी बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री चल रहा है। और अभी आपको इसका 10 मिनट वाला रोल भी दिखाते हैं कि कैसे आता है। देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 मिनट्स। पूरा 4 मिनट का रोल दिया है अभी। अभी हम इसको जो है प्रॉपर अब तरीके से इसको रोल कराएंगे। अभी हम दोनों व्हील्स को एक साथ लगा रहे हैं ताकि उनका रोटेशन जो है वो एक्चुअली में आप देख सकें। और तीसरा व्हील और ऐड करेंगे हम इसमें। अभी हम इसमें एक तीसरा व्हील और ऐड कर रहे हैं। स्पेसर लग गया। ये व्हील हमने इंस्टॉल कर दिया है इसमें। देख सकते हैं हाउ फ्रीली इट इज स्पिनिंग। अब फ्रेम को पूरा दिखाने के लिए मैं जो है थोड़ा सा इसको कैमरे को और एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट यू गेट द क्लियर विजिबिलिटी। So now I am going to show how these bearings are going to spin. अभी पिछला वाला जो हमने दिखाया था वो 4 मिनट का था। Now I will show you the exact run. ये मैंने reset कर दिया है। मैं फ्रेम एक बार सेट करके आपको आई विल शो यू।